मैं संभाल ले मुकेश। मुकेश मार मार देख और कर दे कर दे ये संभाल कर मैं उसके पास बैठा हूँ मैं भी नहीं हटे बुला ले। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार, राजस्थान रोजगार महासंघ की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फेसबुक लाइव में। थोड़ा बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, उसका मैं रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि सुबह से मेरे सहयोगी मित्र मुकेश जी का तो फोन धनाधन चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कोर्ट की जो प्रक्रिया को लेके बार बार सवाल पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उन सभी से अनुरोध है कि टीम काम कर रही है, टीम अपना काम में लगी रहती है, तो आप जितना कुछ हो सके आप फेसबुक पेज पे देख लिया करो या फिर ट्विटर का जो अकाउंट होता है उस पर देख लिया करो। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं एक बार मैं उनको वापस बता देता हूं, आज जोधपुर और जयपुर दोनों जगह ही हमारी मामले में सुनवाई थी। जयपुर में देवेश कुमार नाम से थी, जो भी हो खुला बोल दो, खुला यही है भंवर जी बीएड लेवल प्रथम में शामिल होगी, हर हाल में होंगे। जयपुर में देवेश कुमार नाम से सुनवाई थी और जोधपुर में मुकेश कुमार नाम से सुनाई थी, आप लोगों को पता ही है मेरे हिसाब से। और कई लोगों को ये कॉल आ रहे हैं कि पिटिशनर हमारा नाम नहीं आ रहा, तो सभी में आ जाएगा, सभी का आ जाएगा। पूरे फाइल हम जो पूरे दिन तैयार करते हैं, फिर रात को भी करते हैं, और जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आते हैं वो रात भर उनको तैयार करके सुबह उनको मेल करते हैं, और जो ऑफलाइन आते हैं उनको पूरे दिन के बाद में शाम को भेजते हैं। कई बार एक दिन दो दिन ऊपर नीचे हमसे भी हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स रह ना जाए। सभी को राम राम, सभी का अभिवादन। एक बार जितने भी लोग जो जुड़ रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो आप लोगों को पता है कि दो प्रकार की याचिकाएं चल रही है, जिसका जिक्र आज एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में किया है। सरकार के हाथ पांव तो फूले हुए हैं। अब जो मुख्य मुद्दा है, सरकार ने सीधे सीधे तौर पे, देखो आप लोगों को पता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दो प्रकार की याचिकाएं, एक जो बीएडधारियों ने लगवाई है और एक याचिका जो बीएडधारी बन के लगवाई गई है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी वाली सिंगल बेंच में भी एडवोकेट जनरल उतर गए आज, वहां की डीबी में भी नहीं उतरे। कहानी बहुत बड़ी है, इंटरेस्टिंग है सुनने में। अगर सोचे तो हर प्रकार से मोहरे चली जा रही है, चाले चली जा रही है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। आज कोर्ट में एजी से जवाब नहीं बन रहा था। एजी सर ने बात रखी तो बात यह रखी, सरकार को सीधा सवाल किया गया था कोर्ट के द्वारा कि क्यों बाहर किया गया बीएड को जब एनसीटी की गाइडलाइन में था। यही जयपुर में और यही जोधपुर में, दोनों तरफ से सवाल किया गया था। जोधपुर में तो कोर्ट इतना पॉजिटिव था कि एजी साहब कुछ ऐसे ऐसे बातें बोल गए जिससे ऐसा लगने लगा कि मजा बन गए। सरकार से भी इस बात को मैंने रखा है, आपके सवाल सही है सुनील जी, ये बात देखो। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो सुने, लेवल सेकंड के व्यक्ति किसी भी प्रकार से गुमराह ना होए। अगर आप फार्म भरना चाहते हैं, आपका सवाल बहुत बार लोग ये आ रहा है कि फार्म भरना चाहते हैं, तो फार्म जरूर भर दे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था कि थोड़ा सा वेट कर ले एक बार, क्या पता साथ में दोनों फार्म भर जाए। हमारा पहला प्रयास ये है कि सभी लोगों को मौका मिले। यदि कोर्ट में थोड़ा लंबा खींचा जाता है तो कोर्ट ये कहता है याचिकाकर्ता को शामिल कर लिया जाए, तो हम याचिकाकर्ता को शामिल किया जाएगा। 2016 इंग्लिश की एक ब्रेकिंग न्यूज आए तक, मैं कल आप तक पहुंचा दूंगा, बहुत कुछ इसमें भी एक कुछ चल रहा है, मेरी आज भी बात हुई इसके संदर्भ में, तो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा कुछ और कारण से, क्योंकि मेरी और चीजों पर खासतौर से मैं पकड़ जो बना रहा हूं वो बीएड बीएसटीसी वाले विवाद को लेकर ही बात कर रहा हूं। तो जो सरकार की तरफ से जो व्यू था, सॉरी एजी की तरफ से, उस व्यू को देख के ये लग रहा है कि सरकार इसमें उतर चुकी है, प्रॉपर अपनी बात रख रही है, और 10
से 12 लाख जो बियरधारी है उनके न्याय की बात है। न्याय होगा दोस्तों, बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, हम अवश्य जीतेंगे। आज जो हमारे एडवोकेट साहब ने हमने जो बात कही है, जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे रखे हैं, और जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन है उसको लेके भी कोई बातें चली थी, तो ये सारी बातें हमारे फेवर की है। सरकार के पॉजिटिव चाहे ना हो, लेकिन कोर्ट हमारे प्रति पॉजिटिव है। अब देखो, जोधपुर में जो मुकेश कुमार से याचिका है उसमें एजी साहब ने बोला है कि 2 तारीख को डीबी में है, 3 को सिंगल बेंच में है, वहां पे भी जवाब देना है, और 4 को जोधपुर में सुनवाई है। यानी 2, 3, 4 ये तीनों दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने वाले। जयपुर में तो एजी साहब ने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि मुझे समय चाहिए 4 वीक का, और कोर्ट ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि 4 वीक क्यों। तब 8 तारीख तो लास्ट डेट है, तो उन्होंने कहा कि उनको फार्म में अलाउ करना नहीं करना, तो उन्होंने एक बात और भी कही थी कि हम अलाउ भी कर लेंगे अगर कोई बात होगी, वरना मैं आप मुझे 3 तारीख तक का समय दे, 3 तारीख को मैं इसका जवाब भी दूंगा। तो वो जवाब देखेंगे, हो सकता है इस बात को आगे पीछे भी, देखो विपक्ष की कोशिश है कि इस डेट को आगे निकाला जाए, और विपक्ष ये भी चाहता है कि कितने पिटिशनर बन जाएंगे। आप चिंता ना करें, 12 लाख युवा ये भी ना सोचे कि केवल पिटिशनर के लिए असलम लड़ रहा है, नहीं, मैं ये चाहता हूं किसी का लोस ना हो, किसी को पता ना चले, बाद में ये ना कह दे, मैं सभी के लिए लड़ रहा हूं, सभी के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं हर प्रकार से, हमने विज्ञप्ति को चैलेंज किया है, कई लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि एग्जाम 25 को ही होगा, अरे भाइयों हम भी एग्जाम 25 अप्रैल को करवाने के फेवर में है। तो बीएड धारी हो वो, उनको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप तैयारी जारी रखे, सीटें भी लेनी है, सिलेक्शन भी लेना है, और दूसरी बात, शामिल होना ही एकमात्र नहीं है, सिलेक्शन लेना है। हम 25 अप्रैल को एग्जाम के फेवर में हम भी, और किसी प्रकार से अगर सरकार विज्ञप्ति, अगर चैलेंज की बात है, विज्ञप्ति में बदलाव होता है, तो फिर भी एग्जाम 25 को हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग तैयारी रखें कि बाद में ये ना कहे। एक जो पिटिशनर जो बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आया, तो देखो 2 से 3 दिन लग जाता है एडवोकेट की ड्राफ्टिंग में, 2 से 3 दिन वहां पे कोर्ट में लग जाता है, तो 5-7 दिनों में हो जाता है, 1-2 दिन हम भी लगा देते हैं, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें छंटनी करने में और में, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और देखो हम जीत के बहुत करीब है, जीत के बहुत करीब है, जितने भी युवा साथी है उनको धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि सुबह से इतने फोन आते हैं, इतने बार बार बातें आती है, हमें, मेरा एक पैर ऑफिस में होता है, दूसरा कोर्ट की तरफ भागता हूं, तीसरा सरकार की तरफ भागता हूं, हर प्रकार से मैं अपनी बात रखवाने की कोशिश करता हूं, तो उस वजह से क्या होता है, इस समय थकान हो जाती है, थकान इतनी हो जाती है कि हम जो हमारी टीम में भी ऐसे लगने लग जाता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम थक जाते हैं। लेकिन ये क्लियर है, लेवल प्रथम में बीएडधारी बैठेंगे, एजी के पास आज कोई जवाब नहीं था, कई लोग सिंपैथी जताने के लिए बीएडधारियों के खिलाफ सरकार से एजी को उतारने के लिए रिक्वेस्ट करके आए हैं, और एजी उतरा है, सरकार को कहा आपकी नाक का सवाल है, ये है वो है, बीएड वाले अलाउ नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, तो वो भी हम पूरे, हमारे पास हर चीज की न्यूज रहती है, हर प्रकार से हमारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। कोई भी युवा साथी बीएड धारी जो पिटिशनर बना है, अगर वो थोड़ा सा समय दे सके मुझे यहां पे ऑफिस में, तो उसका स्वागत है जयपुर में, तो 1 या 2 दिन। नार सिंह जी मीना, बिल्कुल आपका नाम ले रहा हूं मैं, 1-2 दिनों में मैं भरतपुर भी पहुंचने वाला हूं, वहां पे भी टाइम चल रहा है, मैं आप सभी को बता दूंगा, भरतपुर पहुंचूंगा मैं। और मेरे साथी सुनील जी उदयपुर संभाग के दौरे पे है, तो सुनील जी से अगर कोई बंदा व्यक्तिगत तौर पे मिलना चाहता है तो वहां से मिले। महावीर जी काशनिया बीकानेर संभाग पे है, तो वो वहां से आपको किसी भी प्रकार की कोई बात है तो वो मिल सकता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से अभी जयपुर हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें रखनी है। मैं इसलिए बाहर नहीं निकलना चाह रहा कि पहले मैं
हालांकि मेरे नगर निकाय का चुनाव है मेरे लोकल में, सभी जगह से मुझे कॉल भी आ रहे हैं और मेरे नज़दीकी कोई दोस्त भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि मेरी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है क्योंकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। हमने जब सीनियर एडवोकेट उतारा है, उनकी जो बातें थी आज की, उनकी बातों को देख के, उनकी बातों को सुन के, बिल्कुल सुनील जी दोसा का भी प्रोग्राम रखूंगा मैं, तो उनकी जो बातों को देख के सुन के जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हर प्रकार से युवा जीतेगा, बाड़मेर करेंगे कोशिश, बिल्कुल युवा जीतेगा, राजस्थान का बीयरधारी जीतेगा, और सरकार को भी हम जल्द ही इस बात में इंगित करेंगे कि सरकार सच का साथ दे, आने वाले दिनों में 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे भी अब विधानसभा में एंट्री मारने वाले हैं, तो सरकार 10 लाख बीएडधारियों को समझे, एक छोटी चीज नहीं है। सरकार अगर समझेगी, सरकार कोर्ट पे छोड़ दे, हम संतुष्ट है। सरकार किसी भी प्रकार से ज्यादा दखल देगी तो युवा आक्रोशित भी होगा और सरकार के खिलाफ भी करेगा। वर्तमान में हमने सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि सरकार इस चीज के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, क्योंकि मेरी सरकार से 2 मुद्दों पे बात चल रही है, 2016 गणित विज्ञान पे भी चल रही है, 2016 इंग्लिश की SLP वापस विड्रॉल करने के लिए भी बात चल रही है, आज भी इस मुद्दे पे बात हुई है। तो मैं सभी तरीके से युवाओं के हित के लिए कोशिश कर रहा हूं, चाहे 2016 गणित विज्ञान का हो, 2017 का संस्कृत विभाग का मामला हो, और आज भी मेरी इस मैटर में भी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं रखना नहीं चाहता, कोई बातें, बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल लोकतंत्र का मैं यूज करूंगा कमल जी। आगे जो बात है कि 2 तारीख को क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, देखो सरकार की तरफ से AG जी जो एडवोकेट जनरल है वो अपनी बात रखेंगे, सूचना कर दी जाएगी संजीव जी, वो बात देखो 2-3 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो वो ये कह देंगे बीएड वालों को शामिल ही कर दो, ऐसा तो करेंगे नहीं क्योंकि सरकार ने उनको क्यों उतारा है। दूसरा ये कह सकते हैं कि पिटिशनर को ही शामिल कर दो, कुछ लोगों को भी फायदा मिलेगा, जिससे सरकार का भी भला हो जाएगा, उनको भी लॉस नहीं होगा, ऐसे करने पे भी आग लग जाएगी क्योंकि समय पड़ा है, तो वो थोड़ा डिले करने के लिए कोशिश करेंगे, वो जवाब देंगे गोलमोल करके। गोलमोल उनका जवाब क्या हो सकता है, उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, तो वो ये कह सकते हैं कि NCT की जो गाइडलाइन है उनको चैलेंज कर सकते हैं, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, इस प्रकार की बात रखने की कोशिश कर सकते हैं AG, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का बीएड वालों को रोकने वाला कोई चीज नहीं है। 2012 का आदेश था, जो आदेश था जिसमें बीएड BSTC को अलग किया था, वो पूरा पूरा उस बेस पे था जिस बेस पे हम लड़ रहे हैं, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, ये भी बात ध्यान कर लेना जब आप बुलाएंगे विष्णु जी। तो एक बात क्लियर कर ले, सरकार इसमें समय लगा सकती है, सरकार ये भी चाह सकती है कि किसी न किसी प्रकार से फोरम की डेट क्लोज हो जाए, उसके बाद में ऑफलाइन जो याचिका करता है उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाए। बिल्कुल दिनेश जी, अजमेर शरीफ आने का मेरा बहुत मन है, आऊंगा मैं भी। तो सरकार को हर हाल में युवाओं के हित का सोचना पड़ेगा, और जो लेवल प्रथम की जो बात आ रही है, लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे, पिटिशनर को तो 100% हम कोशिश करेंगे। चश्मा चश्मा प्रवीण जी पता नहीं कहां कहां गायब हो जाता है, ये पढ़ा सामने ही पढ़ा है, पूरे दिन से इसी काम में लगे हैं, तो आप ये ना सोचे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई प्रकार के लोग आप लोगों को सोशल मीडिया पे अलग चीज दिखाएंगे, हम बीएड BSTC विवाद में पहले कूद गए, ये भी कह देंगे कि हम अलग हो गए, लेकिन वो अंदर से काम कर रहे हैं, वो सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं AG के लिए, लेकिन मुझे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अशोक जी जनता चश्मा मिस कर रही है, अच्छा हमें नहीं कर रहे हैं, लीजिए। दो फरवरी को
डीबी का जो मामला है वो हमारे से अलग है, उसका निर्णय हमारी भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वो निर्णय सिर्फ सिर्फ युवाओं को ठगने वाला अंदर से काम किया गया काम है। हालांकि मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन उनका जो कार्य है, उनका जो ड्राफ्टिंग है, वो रियल में बीएड वालों के हक में कम लगती है मुझे। ये बातें सभी को पता ही होगा, वरना सीधा डीबी से ना जाके सिंगल से डीबी में जाते तो एक प्रोसेस में होता। ये चाहते हैं कि इस मामले को और लंबा खींच दे, लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने हर प्रकार से रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग विश्वास के साथ जुड़े, राजस्थान के युवाओं को इंगित करें। वीरेंद्र सिंह जी, वैधता को लेकर भी मेरी मुलाकात होगी, मैं रखूंगा बात, आपकी बात रखूंगा, मेरे माइंड में है, बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं, इस बात को भी रखेंगे। दिलीप जी, जनजाति शोध परिषद से, उदयपुर से, बिल्कुल शुक्रिया अनिल जी। तो जो मैं कह रहा था कि सरकार से हम पूरे पहलू से जुड़ेंगे, आप लोग थोड़ा साथ दें, जो बीएडधारी युवा है उन तक ये मैसेज पहुंचाए कि रियल में आपके हक की लड़ाई है, कोई बंदा लड़ रहा है, आप उनका साथ दें। दोस्तों, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें रियल में घर बैठे जय जयकार नहीं चाहिए, थोड़ा आपका समर्थन चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप किसी न किसी प्रकार से साथ दें। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, बट जब आपका समर्थन साथ और व्यवहार देख के, देखो कुलदीप जी, शाहू जी, धन्यवाद। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किसी भी प्रकार से निश्चिंत रहे, एजी अगर उतर रहा है तो हम उसके लिए भी अलग से प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, बेस्ट से बेस्ट हम वकील की टीम उतार रहे हैं, अभी हमने पूरे पत्ते वकीलों के भी नहीं खोले हैं। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि हमारे रघुनंदन जी शर्मा जयपुर हाईकोर्ट से लड़ रहे हैं, जोधपुर से सुशील जी लड़ रहे हैं, और हमारे सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर जी जो केवल बहस के लिए कार्य कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे। लेकिन अभी और भी मैं रणनीति के साथ काम कर रहा हूं, किसी न किसी प्रकार की वो लाइव साझा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि जोधपुर में हियरिंग हो गई है, तो वो भी हमने करवाई। और लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, वो महेंद्र सिंह जी, जो बीएसटीसी का जो हक है, आप जो कह रहे हैं पढ़ाई कीजिए, योग्यता के साथ आप में कोई कमी नहीं है, बीएसटीसी के अभ्यर्थी पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन का मामला है यहां पे। सभी लोगों को हक है, ये कंपटीशन है, यहां पे सीधे अलाउ नहीं हो रहे, बीएड वाले पढ़ के अलाउ हो रहे हैं, एनसीटी ने उनको अलाउ किया है, वरना कभी नहीं किया। एजी क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है, सरकार का वकील होता है। बिल्कुल मुश्ताक जी आएंगे। अब जो कोई सवाल है तो आप अपनी बात रखें, हम कार्य कर रहे हैं, लेट भी हो जाते हैं कई बार, तो कोई बात हो तो आप लोग एक जो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके हैं कि हमारा नाम नहीं आया, तो आपका सभी का आ जाएगा, किसी का नहीं रहने दूंगा, देर सवेर सभी का आ जाएगा, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, कोई भी याचिका में हम अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, तो सभी पे वो नाम आ जाएंगे जिनके नाम हमारे पास पहुंचे। और एक दो दिन लग जाते हैं, आप लोगों को पता है, हरीश सालवे के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस है, हरीश सालवे जी हमारे फेवर में है, उनसे भी बात हो चुकी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाए रखे, सभी लोगों को जगाए, बीएडधारियों को, उनको समझाए कि वो इंतजार करें, और किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। अच्छा, अशोक जी आपका नाम आ गया याचिका में, बिल्कुल कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कईयों के आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी शामिल होंगे और युवाओं के हित में होंगे। देखो, गाली दे रहा है, अरे जो जिसका जिसना जितना कर्म है वो उतनी गाली देगा, वो करेगा, लेकिन मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ, उनको समय अपने आप दे देगा, और बहुत सारी
बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके हम जिद नहीं करना चाहते, और मैं किसी से भी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं मेरे मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, वो अपने मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे खुद को पता है किस प्रकार काम किया जाता है, किस प्रकार काम होता है। मेरे खुद के नाम से जो आदेश हुआ था, एक सिंगल व्यक्ति के नाम से आदेश हुआ था मेरे खुद के, और वो 386 परिवारों के घर में रोशनी ला के आएगा। और यहाँ पे भी मेरी कोशिश ये है कि जो पिटिशनर के जो लाभ हो सभी को मिले, लेकिन मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं प्रकार से कोई ना कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, तब हमने ये चीज़ें रख रही है। आ जाएगा सभी का जीत जी वगैरह, जो भी आएंगे धीरे धीरे आराम से आ जाएंगे। अब आप लोगों से विनम्र अपील है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और कई लोग ये कहते हैं ना, चार लोग दिल्ली गए, ये गए, वो गए, कुछ नहीं होता, हम ये कर दें, वो कर दें। तो आप उनको ये जवाब दें कि जब परिवर्तन की आग होती है या परिवर्तन का जब दौर आता है, तो वो दौर में एक अकेला ही व्यक्ति होता है जो परिवर्तन लाता है। हम तो फिर भी चार थे, आज भी मेरे साथ मेरे ऑफिस में 10 व्यक्ति रहते हैं। क्यों रहते हैं, किस वजह से रहते हैं, वो आपको पता है, लेकिन 10-12 की बात नहीं है। हमें बदलाव लाना है, राजस्थान के बेरोजगारों का हित करना है। केवल यहाँ पे मीडिया बज, मैं सोशल मीडिया पे जरूर हूँ, मैं मीडिया में जाके ये नहीं करता, ये कर दो, मीडिया को दे दो, इतना समय इस पे गंवाने के बजाय किसी युवा का हित सोचो। मैं किसी सरकार को ये नहीं कहता हमारा बोर्ड बना दो, हमें ये बना दो, वो बना दो, मुझे किसी के पैसे की कमाई की मुझे जरूरत नहीं है। और जो चेतराम जी हमारा भी नाम जुड़वा हो, क्या करना होगा, मैंने एक नंबर डाला है, कल भी डाला है, मुकेश जी चिंपा के 80-580-92-646 नंबर है, उस पर आप संपर्क कर ले, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। देखो, स्टार बनने के हमें जरूरत नहीं है, हम अच्छा काम करेंगे तो युवा अपने आप पसंद करेगा। और 3 या 4 फरवरी का जो है वो हमें प्रॉपर इंतजार करना है, और उसमें अवश्य हम 3 या 4 इसलिए कह रहे हैं, वो हमारी याचिकाएं हैं, बीएड वालों की याचिकाएं हैं, दो की मैं बात नहीं कर रहा। कई प्रकार से सरकार को, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो नंबर जो डाल दिए गए हैं और पिन हो चुके हैं, आप लोगों के सामने आ जाएंगे, याचिका में आपको ऑनलाइन शो हो जाएंगे। नाम नरेश जी, नाम नूम से कुछ नहीं पड़ा, और बिल्कुल मुकेश जी, दिल्ली जाने के लिए हिम्मत चाहिए, रियल में पैदल चलने की भी हिम्मत चाहिए। और सभी लोगों को विनम्र अपील है, आप धैर्य बनाए रखें, अगर किसी भी प्रकार के आप लोगों को ये लगता है कि कोई बात है, कोई और है, तो कार्यालय पहुँचे, सुबह के टाइम में पहुँचे, शाम के टाइम पहुँचे, मुझसे बात रखे। मैं लगभग कहीं अगर बाहर भी जाता हूँ तो आपको सूचित कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पहुँचे अपने क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन क्लियर ये है कि 2 तारीख को जयपुर हाई कोर्ट में डीवी में जो केस है उसमें भी एजी अपनी बात रखेंगे, और 3 को और 4 को आर्ग्यूमेंट वो कर सकते हैं, 3 को जयपुर में है और 4 को जोधपुर में है। अवश्य हम सफल होंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमारी तरफ से आप लोग एक बार कमर कस ले कि हो सकता है हमें सरकार को जगाना भी पड़े, क्योंकि सरकार जो तानाशाही रवैया अगर अपना रही है, किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हो रही है बिना कोई रूल्स को जाने हुए, बिना कोई अन्य काम के लिए, तो अभी हम, मैं सरकार के खिलाफ कुछ शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये बात सरकार को भी संज्ञान में है, तो हमारे हित में चाहे वो कुछ ना करे, लेकिन अहित हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद अशोक जी, आप सभी लोग, बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, जरूरत पड़ेगी तो एक आवाज के साथ आप हजारों की संख्या में जयपुर कूच करने के लिए भी तैयार रहना, अगर जरूरत पड़ी तो, वरना मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना, आपको कोई एग्जाम में बिठाने से कोई नहीं रोक सकता, पूरी प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, और हर हाल में लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे, और ये वही
एडवोकेट एस तरह जो फर्स्ट बिल्कुल सरकार को इस बात का पता है, हमारे उस आंदोलन से ये रीट निकली हुई है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हर रोज कहते हैं हमारा प्रयास सफल हुआ, भर्ती आ गई कोई हमारा प्रयास सफल हुआ, ये चीज लिखने में और करने में बहुत फर्क होता है। एक बार बार बोल देता है हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है, राजस्थान के युवाओं का मनोबल गिरा देते हैं झूठ बोल के, ऐसे भी लोग हैं और वो अगले दिन बोल देते हैं कोर्ट कर देगा तो मैं क्या कर दूंगा, और फिर सिंपैथी जताने के लिए बीएड वालों को कह देते मैं बीएड वालों के साथ हूं, बीएड वालों के लिए ये किया वो किया। मैं बात बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े लाइव के लिए। एक बार जो लाइव जुड़ता है, जो बीएडधारी, अगर आपको लगता है आपके हक की मैं आवाज उठा रहा हूं, तो आप अपने दो भाइयों को जरूर जगाए जो बीएडधारी है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है आपके हक की आवाज नहीं उठाता हूं, तो आप मुझे ब्लॉक करके मेरे से दूर हो जाए। फोरम के लिए फोरम आप भर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप इस हियरिंग तक वेट करें, ताकि बहुत सारी चीजें होंगी। हमारा स्टे लाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अशोक जी ने जैसे 5 को कहा है, भाई साहब जब आप लोगों को लगता है कि मैं सच कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, तो आप लोग मेरा साथ दें। बी रियल में सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, रियल में आप लोगों के साथ की मुझे आवश्यकता है। हम हताश हो जाते हैं शाम तक होते होते, इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप लोग, मैं आपको कभी नहीं कह रहा कि आप अपनी तैयारी छोड़े, लेकिन अगर आप 2 दिन के लिए कोई भी बंदा अगर टाइम दे सकता है, तो मेरे लिए 2 दिन का टाइम निकाले। धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और 2 व्यक्ति को जगाने की पूरी प्रयास करें। बिल्कुल मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जो जुड़े, और जो लोग गलत कमेंटमेंट करके कोशिश करते हैं ना, वही मुझे प्रेरित करते हैं, वही लोग मुझे प्रेरित करते हैं। आप जितना कुछ करोगे उससे बढ़ के मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको धारे।